एंटी डायबिटिक्स में नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स। ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं यहाँ पे एक्राबॉस एंड वॉग्लीबॉस। एक्राबॉस और वैग्रीबॉस के अकॉर्डिंग हम देखें तो अब सबसे पहले आता है ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो दे डिलेड द एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द इनहिबिटिंग द एल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम फाउंड इन द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एल्फा ग्लूकोसाइड्स हेल्प इन द हाइड्रोलाइजिंग द पॉलीसेकेराइड्स एंड ऑलिगोसेकेराइड इनटू द मोनोसेकेराइड्स एंड हेल्प इन देयर द एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे मैकेनिज्म के फॉर्म में हम समझे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने खाना खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन होना है और वो डाइजेशन होकर उसके अंदर जो पॉलीसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड है उसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हमारे पास एंजाइम है एल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, वो वहाँ पे कहाँ मिलता है, जो अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम होती है, ब्रश बॉर्डर बॉडीलियम के ऊपर वाला जो अपर पार्ट है वहाँ पे ये एंजाइम सिक्रीट होता है। वो वहाँ से अगर सुक्रोज है तो उसको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा और वो अपने आप में एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारे अंदर क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये जो ड्रग है हमारे पास ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स ड्रग हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये ड्रग क्या करेगी, जो हमारे पास मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एल्फा ग्लूकोसाइड्स एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगी ताकि हमारे पास पॉलीसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट ना हो पाए। अब वो कन्वर्ट नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, नहीं होंगे तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाए। तो इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा। फ्लैटुलेंट एंड लूज मोशन आर द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस क्लास ऑफ द ड्रग। तो इस क्लास की ड्रग का सबसे मेन जो हमारे पास है साइड इफेक्ट यही होता है कि लूज मोशन हो जाता है। दिस ड्रग प्रमोट द एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट बट डू नॉट प्रोड्यूस द हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया क्यों जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम बॉडी की मशीनरी से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी एंट्रीज हमने जीआई ट्रैक से अंदर आने से ही रोक दी। तो अगर मान लो किसी कंडीशन से अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम भी होता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से वो बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सल्फोनाइल यूरिया की वजह से जो हाइपो ग्लाइसेमिया कंडीशन जनरेट हो रही थी वैसी कंडीशन यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं एस्कारबोस, इसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ये इसकी स्ट्रक्चर है एस्कारबोस की। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसेकेराइड्स विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ द एक्टिनोप्लांट्स जो हम कह रहे हैं एक बैक्टीरिया है। इट इज कंपोज ऑफ एकरविजन मोइटिस एंड ए माल्टोज मोइटिस। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर से हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑलिगोसेकेराइड को के फॉर्म में इसको आइसोलेट किया है। यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज। उसी के बाद नेक्स्ट अपने पास आता है वॉग्लीबॉस। वॉग्लीबॉस हम कह रहे हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये अपने पास वॉग्लीबॉस हो गया। वॉग्लीबॉस के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वेलिडामाइसिन ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन हाइग्रोस्कोपस, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन से हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं वेलिडामाइसिन ए। तो इससे हम सीक्रेट कर रहे हैं, मैकेनिज्म सेम है, इट इज ए वैलियो ला मीन्स डेरिवेटिव्स, वैल्यूला मीन्स डेरिवेटिव्स है। यूज ए द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज। तो थैंक यू। तो यहाँ पे हमने इसको स्टडी किया।